स्टेट गवर्नमेंट ने 1 जून से कोविड-19 के संक्रमण को कम होता देख अनलॉक का ऑर्डर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे रूल्स और रेगुलेशन का पालन करते हुए मार्केट ओपन होने लगे। मार्केट में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना लोग भूल गए। इस बात को लेकर शहर के बिजनेसमैन भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के सीनियर डॉक्टर भी लोगों से कोविड की थर्ड वेव का अनुमान को देखते हुए सतर्क रहने की एडवाइस दे रहे हैं। अनलॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मेन मार्केट से लेकर सभी स्थानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों को दोबारा कोरोना का डर सता रहा है। इस विषय पर जब हमने लोकल के लोगों से लेकर बिजनेसमैन और डिस्ट्रिक्ट के सीनियर डॉक्टर से चर्चा की तो हर कोई कोविड गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीनेशन करवाने की सलाह दे रहे हैं। लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है वो अभी भी बालाघाट जिले में देखते हैं तो सभी जगह भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुका है और कई दिनों से लोग अपने घर में बंद थे और उनके कुछ जो पेंडिंग चीज़ें थी वो लेने की वो ले रहे, लेकिन जनता को ये ध्यान रखना चाहिए कि मुंह पे मास्क लगा कर रखे और मार्केट से आने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज़ अवश्य करें और जो भी चीज़ें लाते हैं उनको भी सैनिटाइज करें। आप एक व्यापारी हैं, जैसे कि लोगों को गाइडलाइन दी गई है मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का, समस्त दूरी बना के रखें, तो आपके जैसे दुकान में कोई आता है आप किस प्रकार से उनको संदेश देते हैं? जिस दिन दुकान चालू रहती है हमारा पूरा स्टाफ मास्क में रहता है, हम भी मास्क में रहते हैं और ग्राहकों का अंदर आने नहीं देते बिना मास्क के। कोई ग्राहक मेरी दुकान में बिना मास्क के आया तो हम उसको अंदर आने नहीं देते। भैया जैसे कि अनलॉक के तहत पूरा मार्केट खुला हुआ है, ग्राहक भी दुकानों पे लगातार भीड़ करते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो कोरोना का महामारी का जो फैलने का खतरा है वो भी बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने ग्राहकों से? देखिए लोगों का चेहरा है कि 4 से 6, 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मैंने भी कल एक प्रमुख अखबार में कल पढ़ा हूँ ये वाली न्यूज़ को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ व्यापारियों से और ग्राहकों से कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए बार बार लगातार, इसके अलावा दूरी का भी पालन करना चाहिए। ये ग्राहकों पर भी लागू है और व्यापारियों पर भी। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से बालाघाट जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम सभी व्यापारियों भाइयों को और सभी जिले वासियों को इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान अब पूरा अनलॉक हो चुका है तो समय बहुत है, ग्राहकों के पास भी व्यापारी के पास भी। सभी ग्राहकों से निवेदन है कि वे जो आम उपभोक्ता हैं, जो अक्सर देखा गया है पिछले 8-10 दिन से कि शाम के टाइम 6 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है मार्केटों में, ये नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। उनको सुबह जब समय है दुकानें खुलने का उसी समय अपनी ज़रूरत के टाइम पे सामान ले जाके अपने घर में रखना चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार से ये शाम को भीड़ हो रही है ये बहुत यानी तकलीफ का विषय है। बहुत व्यापारी है और कुछ जगहों पर ग्राहक लापरवाही खूब बरत रहे हैं, ऐसे में क्या कोरोना का डर उन लोगों में कम हो गया है या किस प्रकार से वो लोग अपनी असावधानी कर रहे हैं? कोरोना को कम नहीं समझना चाहिए, कोरोना अभी भी है और आगे और बढ़ेगा, इसलिए पूरी जनता का जिसमें हम व्यापारी और हमारे ग्राहक दोनों ही शामिल हैं, दोनों को चाहिए कि सतर्कता का और जो शासन के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करते व्यापार करें। जिले के सीनियर डॉक्टर बीएम शरणागत के अनुसार कोविड का थर्ड वेरिएंट डेल्टा प्लस आ चुका है, जो कोविड की सेकेंड वेव से भी अधिक डेंजर है। इसे देखते हुए पब्लिक को और अधिक सेफ रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लॉकडाउन खत्म हुआ है और लोग पुनः जैसे पहली बार लॉकडाउन के समय लोगों ने आना जाना चालू कर दिया था, दुकानों में भी फिर जाते थे, मार्केट बिना मास्क लगाए घूमते थे, सेम पोजीशन अभी आ रही है और ये चीज़ें जैसा कि हम सुन रहे हैं कि नया वेरिएंट जो आया है और आ चुका है बालाघाट में, जैसा कि सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट, यह वेरिएंट बहुत खतरनाक है और इसमें इसकी सीवियरिटी बहुत चिंताजनक है। अगर किसी को अगर ये वेरिएंट पकड़ता है तो उसमें डेथ बहुत ही 100% संभावित होती है। जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से लोग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, निश्चित ही आने वाला समय उनके लिए काफ़ी कष्टदायक होगा। अगर पब्लिक आज इसको नहीं समझी
तो आने वाले समय के लिए बहुत दुखदायी बात होगी। इसलिए मेरे बालाघाट वासियों से यही गुजारिश है कि तीसरे इनकमिंग लहर को देखते हुए आप अभी सतर्क हो जाएं।